वेलकम टू आर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर। लास्ट सिक्स मंथ यानी कि जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स है उनको इस वीडियो में कवरअप करने की कोशिश किया है। करंट अफेयर के सेक्शन से अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट और एक फाइनल बात यह है कि करंट अफेयर के सेक्शन से और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो लास्ट सिक्स मंथ में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो अलग अलग इंडेक्स में इंडिया को मिला है लास्ट सिक्स मंथ में, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, इन टॉपिक्स पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। तो इन टॉपिक्स को जरूर कवर अप कर लेना, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कवर अप कर लेंगे तो करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर इन सारे वीडियोस का बिल्कुल देख सकते हैं। आगे चल के हम गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च किए गए हैं लास्ट सिक्स मंथ में उसके ऊपर एक वीडियो जल्दी आपको देने वाले हैं और इंपॉर्टेंट जो सबमिट्स हैं उनके रिलेटेड भी आपको वीडियो जल्दी मिलने वाला है। इसलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो, सारे वीडियोस आप बिल्कुल देख पाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। चाइना सक्सेसफुली टेस्ट आर्टिफिशियल सन 5 times मोर पावरफुल देन रियल सन, ये क्वेश्चन रिसेंटली एक एग्जाम में बना था। तो जरूर ध्यान रखना, चाइना के द्वारा जो है आर्टिफिशियल सन जो है ये टेस्ट किया गया है और ये 5 times मोर पावरफुल है देन रियल सन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICMR हैज अप्रूव्ड टेस्टिंग किट फॉर डिटेक्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कौन से वेरिएंट के लिए बेसिकली किट लॉन्च किया गया है और ये किट का नाम क्या है, ओमिक्रॉन, ये किट का नाम है। एस सोमनाथ इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इंपॉर्टेंट है, इसरो में अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं खास करके जो चेयरमैन है तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। चाइना बिल्ड एन आर्टिफिशियल मून ऑन अर्थ दैट कैन मेक ग्रेविटी डिसअपियर, तो ये अगेन जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिफिशियल सन के बारे में पूछा गया तो आर्टिफिशियल मून के बारे में भी पूछा जा सकता है। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI का शॉर्ट फॉर्म हैज डेवलप्ड एन इंडिजिनियस RT-PCR डायग्नोस्टिक किट, ओम इसका नाम याद रखना, ओम इसका नाम जो है दिया गया है। तो ये जो है CSIR CDRI के द्वारा जो है ये बेसिकली बनाया गया है, डेवलप किया गया है फॉर टेस्टिंग ऑफ ओमिक्रॉन वेरियंट। डेविड बेनेट हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, अगेन फर्स्ट पर्सन है जो बेसिकली जिनका सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और ये जो किया गया किसकी मदद से किया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के मदद से जो है किया गया है। डॉक्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर कैरिड आउट द प्रोसीजर, तो कौन से यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज इंस्टॉल्ड एंड कमीशन्ड फ्रॉम परावेगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, अगेन ये जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। परावेगा जो है ये इंस्टॉल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04, तो ये सैटेलाइट का नाम आपको याद रखना है, रिसेंटली जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन ये सैटेलाइट है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, EOS-04 जो है ये सैटेलाइट का नाम है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसका शॉर्ट फॉर्म है DCGI हैज अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन बायोलॉजिकली ई लिमिटेड, इसका नाम है कॉर्बेवैक्स फॉर चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप 12-18। तो बेसिकली पूछा जाएगा क्वेश्चन, कॉर्बेवैक्स जो है ये वैक्सीन बेसिकली अप्रूव किया गया है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12-18 ईयर्स चिल्ड्रेन, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वैक्सीन बेसिकली अप्रूव किया गया है। IBM अनवील्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी हब इन बेंगलुरु टू एड्रेस साइबर अटैक, तो कौन से कंपनी के द्वारा अब रिसेंटली जो है साइबर सिक्योरिटी हब जो है ये बेसिकली अनवील किया गया है बेंगलुरु में, तो ये IBM के द्वारा किया गया है। गूगल हैज अनाउंस टू लॉन्च प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया दैट विल प्रोवाइड एंड्रॉयड डिवाइस यूजर एक्सेस टू ओवर 1000 एप्लीकेशन एंड गेम्स विदाउट एड्स, तो ये प्ले पास के बारे में पूछा जा सकता है। ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन जो है मॉडल है जो कि लॉन्च किया जाएगा गूगल के द्वारा, इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस, और यहाँ पे क्या होगा जो 1000 एप्लीकेशंस हैं और गेम्स हैं इन्हें जो है बिना एड्स के जो है ये बिल्कुल ये पास लेने के बाद वो एक्सेस कर सकते हैं। नासा लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजर्डियस वेदर, तो ये सैटेलाइट का नाम याद रखना है, कौन से बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा, किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ट्रैक हैजर्डियस वेदर। माइक्रोसॉफ्ट विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद, अगेन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर रीजन जो है ये हैदराबाद में कौन सी कंपनी बनाने वाली है, क्वेश्चन देखने मिल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC हैज डिजाइंड एंड कमीशनड ए सुपर कंप्यूटर नेम परम गंगा एट IIT रुड़की, अगेन परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो ये IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया है। पिक्सल ESPS डेटा स्टार्टअप लॉन्च फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट TD-2, ये सैटेलाइट का नाम याद रखना, पिक्सल जो है ये बेसिकली स्पेस डेटा स्टार्टअप है, तो इनके द्वारा जो है
फर्स्ट फुली ऑपरेशनल सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया गया है। गुजरात रिपोर्ट फर्स्ट केस ऑफ कोविड एक्सी वेरियंट, एक्सी वेरियंट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो एक्सी वेरियंट है कोविड 19 का, अगर हम देखें पहले डिटेक्ट किया गया था कौन से कंट्री में, यूनाइटेड किंगडम में, और इंडिया में अगर देखें तो यहाँ पे गुजरात में डिटेक्ट किया गया था। ट्विटर कन्फर्म्स टू ब्रिंग एडिट बटन इन इट्स प्लेटफॉर्म। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा कि जो एडिट बटन है ये बेसिकली कौन सा प्लेटफॉर्म में आगे चल के जो है आपको देखने मिल सकता है, तो ये जो है ट्विटर में आपको आगे चल के देखने मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन करंट अफेयर अगर आप डिटेल में कवरअप कर भी देते हैं लेकिन उसके अलावा भी 2022 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से जो है हमने जनरल नॉलेज 2022 का ये बुकलेट लॉन्च किया है। लास्ट सिक्स मंथ के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इनको डिटेल में पढ़ना जरूरी है, नहीं तो आप करंट अफेयर में पूरा फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर सकता। जैसे करंटली कौन किया है, ऑस्कर अवार्ड 2022, ग्रैमी 2022, आईफा अवार्ड्स, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुआ था इस बार, उसके बाद अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड स्लैम, ब्रांड एम्बेसडर, आईसीसी अवार्ड 2021, नए जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्री के इलेक्ट किए गए हैं, सीएम एंड गवर्नर 2022, करंटली जो है स्टेट के जो सीएम और गवर्नर, ये खास करके रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप ये भी इंपॉर्टेंट है, पद्मा अवार्ड 2022, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था, फैक्ट्स अबाउट स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, एप्स एंड पोर्टल। तो ये सबको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सबको अगर डिटेल में नहीं पढ़ते इन टॉपिक्स को तो आप करंट अफेयर में बहुत अच्छा से स्कोर नहीं कर सकते। इस वजह से हमने जनरल नॉलेज 2022 का ये बुकलेट लॉन्च किया है सिर्फ 39 रुपीज में। लेना कैसे है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, उसके बाद जैसे आप 39 रुपीज पे करते हैं उसके बाद इस बुकलेट को बिल्कुल ले सकते हैं और इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां से भी डिटेल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि सिर्फ लास्ट सिक्स मंथ का पढ़ने से जो है नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्स हैं जहां पे 1-1.5 साल का जो है करंट अफेयर पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है। इस वजह से जो है आप जनरल नॉलेज 2021 भी ले सकते हैं, ये 75 रुपीज में अवेलेबल है। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2021 यहाँ पे कवरअप किया गया है, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आप देख सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को। इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है एग्जाम में। इस वजह से यही रिकमेंडेशन है कि जनरल नॉलेज 2022 और 21 दोनों आप ले सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेने का प्रोसेस सेम है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे ये पेमेंट करते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। मेक श्योर कि आप सही मेल आईडी दें, उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है जहां से आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज भी अच्छा से प्रिपेयर कर लें, करंट अफेयर के वीडियोस तो हम लगातार आपके लिए अपलोड कर रहे हैं लेकिन जनरल नॉलेज भी अच्छा से प्रिपेयर करना जरूरी है, उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना जरूरी है, वहां से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फोर मेंबर AX1 जिसका फुल फॉर्म है एक्सियोम स्पेस मिशन, ये मिशन का नाम आपको ध्यान रखना है, क्रू विल बिकम फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट टीम एवर फ्लोन टू स्पेस स्टेशन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है ये मिशन के तहत जो है कितने एस्ट्रोनॉट गए थे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट, तो ये जो है 4 यहाँ पे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जो है गए थे और ये फर्स्ट एवर ऑल प्राइवेट जो है एस्ट्रोनॉट की टीम थी जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी इस मिशन के तहत। सुपर कंप्यूटर नेम परमपरोल वॉज इनॉग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये सुपर कंप्यूटर का जो नाम है ये है परमपरोल और ये इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, NIT तिरुचिरापल्ली में इसे जो है इनॉग्रेट किया गया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। चाइना प्लान्स टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट सर्च फॉर हैबिटेड प्लैनेट थ्रू स्पेस टेलीस्कोप, कंट्री का नाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखना चाइना। इंडिया रिपोर्ट द फर्स्ट केस ऑफ न्यू ओमिक्रॉन BA.4 सब वेरियंट फ्रॉम हैदराबाद। तो सबसे पहला केस ओमिक्रॉन BA.4 वेरिएंट का कहाँ पे, सब वेरिएंट का कहाँ डिटेक्ट किया गया था, हैदराबाद में डिटेक्ट किया गया था, जिसे 24 सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाज सक्सेसफुली लॉन्च बाय फ्रेंच कंपनी एरिना स्पेस फ्रॉम कोरो इन फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना अगर हम देखें तो ये साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है, तो यहाँ से बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखना है JSAT-24 सैटेलाइट जो है ये इसरो के द्वारा बनाया गया है फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ये जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। द फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन द कैंपस ऑफ देवस्थल ऑब्जर्वेटरी ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस इन नैनीताल। तो ये ध्यान रखना फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको याद रखना है और ये नैनीताल में जो है इसे इंस्टॉल किया गया है। नासास डेवेंसिस का फुल फॉर्म है डीप एटमोस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। मिशन विल बी द फर्स्ट एवर मिशन टू वेनस यूजिंग बोथ स्पेसक्राफ्ट फ्लाईबीज एंड डिसेंट प्रोब इज प्लान्ड टू लॉन्च इन 2029। कौन से ईयर में जो है प्लान किया गया है, 2029 में लॉन्च किया जाएगा डीप एटमोस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीवेंसी,
ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और फर्स्ट एवर जो है ये वेनस इन्वेस्टिगेशन जो है ये मिशन होने वाला है जो कि 2029 में लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। चाइना रिलीजेस वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून, तो ये क्वेश्चन बन सकता है वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून जो है कौन से कंट्री के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया है, चाइना के द्वारा। इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल, नाम याद रखना है एनोकोवैक्स लॉन्च, तो ये बेसिकली रिसेंटली लॉन्च किया गया है। परम अनंता सुपर कंप्यूटर कमीशन्ड एट IIT गांधीनगर, अगेन ये जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो ये जो है IIT गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है। US फ्रंटियर ओवरटेक जापान फुगाकू एज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, अभी अगर पूछा जाए करेंट टाइम में जो है सबसे पावरफुल कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो ये है US फ्रंटियर, पहले ये जो है जापान का फुगाकू था जो कि इससे पहले ईयर जो है लॉन्च किया गया था 2021 में। अब जो है US फ्रंटियर जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। Kia.ai लॉन्च इंडिया फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स Kiaverse, तो ये Kiaverse जो है ये इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स है। गगनयान इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन स्केड्यूल टू लॉन्च इन 2023, तो गगनयान जो है कौन से यान प्लान किया गया 2023 में प्लान किया गया है जो कि इंडिया का फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है। IIT मद्रास हैज डेवलप्ड ए रोबोट, इसका नाम है होमोसेप, दैट कैन क्लीन सेप्टिक टैंक विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन, तो ये नाम आपको याद रखना है और कौन से इंस्टीट्यूट IIT मद्रास के द्वारा ये किया गया है। फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री साउथ कोरिया है सक्सेसफुली लॉन्च ए सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट ऑन डोमेस्टिकली बिल्ड रॉकेट नूरी, तो ये जो डोमेस्टिकली बिल्ड रॉकेट है नूरी इस पे इन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, तो कौन से कंट्री ने कर दिखाया है ये साउथ कोरिया ने किया है और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स थे लास्ट 6 मंथ के, इनको यहाँ पे हमने कवर अप करने की कोशिश किया। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।